विद्यार्थियों बहुत बहुत स्वागत है भौतिक विज्ञान की क्लास में। मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेवेन्यू कॉलेज आरिफ़ की ओर से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी स्वप्रेरण एवं स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और चूंकि इसके पहले भाग एक के माध्यम से आपने वाली चुंबकीय प्रेरण के विषय में मूलभूत जानकारियाँ प्राप्त की हैं, आज की इस वीडियो में आप लोग स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण घटना होती है, जबकि स्वप्रेरण गुणांक एक भौतिक राशि है, एक नियतांक है, तो उसके विषय में मूलभूत जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। वैद्युतचुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा इकाई चार के अंतर्गत वैद्युतचुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के रूप में आपके सामने अध्याय की रूपरेखा एक बार फिर चेक कर लें। हम लोग इतने कंटेंट्स पढ़ चुके हैं, चुंबकीय फ्लक्स फाई के रूप में फराडे के प्रयोग को हमने लोगों ने देखा, लेंज का नियम हम लोग देख चुके हैं, फराडे के वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के नियम दो नियम जो बताए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है, प्रेरित धारा के विषय में प्रकाश डाला हुआ है। ओके, और आज हम लोग चेक करने वाले हैं। ओके, उसके बाद मैं धीमे धीमे आपको जो है बाकी चीज़ें लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, ओके, किसी कुंडली में संचित स्थिति ऊर्जा हाफ एल आई स्क्वायर के फॉर्म में स्वप्रेरित धारा के प्रभाव की कुछ एग्जाम्पल, इंडक्टर्स को आप श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उसके अलावा आगे अन्योन प्रेरण दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। हालांकि अन्योन प्रेरण आप देख चुके हैं, इसके पहले वीडियो मैंने अन्योन प्रेरण बताया हुआ है। ओके, और भंवर धाराएं, ओके, इतनी चीज़ें हम लोग को देखना है चैप्टर में कंटेंट्स के फॉर्म में। और ये वीडियो आधारित है सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस के रूप में। ओके, स्व प्रेरण तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो चेक करते हुए जाती हूँ, पहला टॉपिक आपका आज का है स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपके स्क्रीन पे देखिए दो डायग्राम दिखाई पड़ रहे हैं और डायग्राम में क्या क्या दिखाया गया चेक कर लें। ये आपका देखिए एक प्रेरित धारा इसमें दिखाई पड़ रही है, ये क्वाइल है, क्वाइल इसके साथ में एक रियोस्टेट धारा नियंत्रक और साथ में एक बैटरी और कुंजी। ओके, और एक और डायग्राम देखिए दिखाया गया, उसमें भी एक क्वाइल दिखाया गया है। ओके, क्वाइल है, रियोस्टेट है, बैटरी और कुंजी। इसमें आपको मुख्य धारा के मान को बढ़ाना है, इसमें मुख्य धारा के मान को घटाना है। ओके, तो एक बार में हम लोग केवल एक कुंडली की बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं पहले वाले डायग्राम की, इसमें हमने मेन करंट को बढ़ाया हुआ है किसके द्वारा, आर एच का मतलब रियोस्टेट धारा नियंत्रक के द्वारा आपको जो है करंट के मान को बढ़ाना है। एक फंडामेंटल आपके दिमाग में होना चाहिए विद्यार्थियों की, जब किसी कुंडली में करंट आई पास की जाती है, ओके, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है। ठीक है, किसी भी चालक तार में, किसी भी कुंडली में जब आप करंट आई पास करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है। यदि आप करंट के मान में चेंज करते हैं तो निश्चित रूप से जो है उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत आवेश बल उत्पन्न होगा फाई के द्वारा। एक्चुअली आई को बदलने पर फाई उत्पन्न होता है और फाई के बनने से उस कुंडली में, उस चालक तार में एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। ओके, आपने फराडे का नियम देखा हुआ है, इक्वल टू माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी के फॉर्म में, तो वहीं से जो है ये निष्कर्ष प्राप्त होता है। तो आपने ये चीज़ देख लिया है और एक बार फिर मैं डायग्राम को बड़ा करके इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जानते हैं कि दो डायग्राम देखिए बनाए गए, पहले में मुख्य धारा के मान को बढ़ाना है आर एच के द्वारा और सेकेंड में जो है मुख्य धारा को घटाना है। तो मेन करंट के मान को जब आप बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से मुख्य धारा के अलावा उस कुंडली में एक अन्य धारा जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं वो उत्पन्न हो जाती है। और इसका नेचर होता है कि ये जो है मुख्य धारा का विरोध करेगा। ओके, इसका सीधा मतलब है कि यदि आप मेन करंट को बढ़ाते हैं तो जो इंड्यूस करंट होता है प्रेरित धारा वो उल्टी दिशा में फ्लो करता है ताकि ये मुख्य धारा का विरोध कर सके। मुख्य धारा के मान को घटाएंगे आप
जो इंड्यूस करंट होगा वो मुख्य धारा के साथ में बहने का प्रयास करेगा। ये दोनों लेंज के नियम के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। ओके, लेंज का नियम भी आपको बताया हुआ है। तो सेल्फ इंडक्शन, अब इसी परिभाषा चेक कर लें कि किसी भी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में यदि आप चेंज करते हैं, अगर आई के मान में चेंज होता है, तो निश्चित रूप से जो है कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। ओके, कुंडली में यदि आप करंट के मान में चेंज करते हैं, तो उस चेंजिंग के कारण कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना स्वप्रेरण के नाम से जानी जाती है। ओके, अब आपको डायग्राम को फिर दिखा दूं मैं, और डायग्राम चेक कर लें, और यहाँ से कुछ मैथमेटिकल फॉर्म आपको मैं बता देता हूँ। ओके, अब देखिए, मान लीजिए आप पहले डायग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए कुंडली में तार के एन फेरे हैं। ओके, कितने फेरे हैं? एन। आपने मेन करंट को चेंज किया तो उत्पन्न होता है फाई, एन फाई बन जाएगा। एन फाई बोलते हैं चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या। ओके, चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या ये जो है डिपेंड करता है आई के ऊपर। ओके, आई का मतलब करंट, करंट का मान ज्यादा होगा तो एन फाई का मान भी ज्यादा होगा, करंट कम होगा तो एन फाई का मान भी कम हो जाएगा। और यदि आप प्रोपोर्शन को हटाते हैं यहाँ से, तो एन फाई की जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स हो जाती है एल इंटू आई। एल यहाँ पे एक नीतांक हो जाएगा, एल एक नीतांक है जो कि उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ओके, आपने स्वप्रेरण घटना क्या है वो सीख लिया है, कि किसी कुंडली में मुख्य धारा को फ्लो करने पर इस मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा प्रेरित होती है। ओके, और यह जो घटना होती है कि मेन करंट से इंड्यूस करंट का फॉर्मेशन, मुख्य धारा से प्रेरित धारा की उत्पत्ति, ये कहलाती है स्वप्रेरण। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेक किया कि जो एन फाई होगा चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या, ये धारा की समानुपाती होगा। एन फाई की जो वैल्यू होगी वो, एन फाई की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में एल आई के बराबर होगी। एल का मतलब है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली का। तो हम लोग चेक करते हैं, हम लोग को चेक करना है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। तो माना किसी कुंडली में तार के एन फेरे हैं, करंट आई पास करने पे चुंबकीय फ्लक्स फाई हो जाता है, तो उस कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई होगी जो कि आई की समानुपाती होती है। ओके, और एक चीज और समझ लें आपकी जो एक्स्ट्रा शॉर्ट के अंतर्गत, कि किसी कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में अगर चेंज होता है, तो जो भी वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा पश्च वैद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ कहते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि करंट के मान में चेंज होने से जो वैद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसको हम लोग प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा पश्च वैद्युत वाहक बल, बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। आपने चेक किया कि एन फाई की जो वैल्यू है वो आई के समानुपाती है। ओके, तो वो दिखा दिया गया, एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनल को हटा के एल लगा दिया गया है, एल का मतलब है नीतांक, और एल को हम कहें कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। ओके, अब आपको उसको डिफाइन करना है, तो एल को रोक लेना है, एन फाई अपॉन आई के फॉर्म में बना लेना है, आई को एक एम्पियर मान लिया गया है। ओके, तो एल की जो वैल्यू है वो एन फाई हो जाएगी। इसका सीधा मतलब है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व एल जो होता है वो संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ओके, किसी कुंडली में एक एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर जितनी संख्या होगी किसकी, चुंबकीय ग्रंथिकाओं की, वो एक्चुअल में इसका संख्यात्मक जो मान होता है वो एल के मान के बराबर होगा। तो ये डिफिनेशन एक बन गई है, इसको अभी और चेक करना है। ओके, अब आपको यहाँ पे फराडे का नियम भी यूज करना है, कि क्योंकि यहाँ पे जब फाई को आई को बदला गया तो फाई बना है, फाई से जो है ई बनना है, और ई की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में एन डेल फाई अपॉन डेल टी के फॉर्म में आपको मालूम होनी चाहिए। ओके,
डेल फाई को हटाना है, डेल फाई यहाँ पे हटेगा एन को अंदर ले जाने के पश्चात, क्योंकि एन फाई को आपने भी ऊपर देखा था कि एन फाई की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, एन फाई इक्वल टू एल इंटू आई थी। ओके तो यहाँ पे जो एन फाई शो कर किया गया उसकी जगह पर हमने एल आई दिखा दिया है, एल को बाहर निकाल लिया गया है, तो एक और फॉर्मूला यहाँ से बन गया है इक्वल टू निगेटिव में एल डेल आई अपॉन डेल टी। तो ये सारे फॉर्मूले महत्वपूर्ण हैं जो व्हीकल में काम आने वाले हैं। ओके और डेल आई अपॉन डेल टी जो है धारा में परिवर्तन की दर होती है, और निगेटिव साइन शो करता है कि वैद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब वैद्युत धारा में, वैद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब धारा में परिवर्तन होगा, और निगेटिव साइन का मतलब है कि जो है कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध हो रहा है। एक परिभाषा देखिए यहाँ से और बन जाएगी विद्यार्थियों, एल इक्वल टू निगेटिव में ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी के फॉर्म में, तो आपने डेल आई अपॉन डेल टी को 1 एम्पीयर पर सेकेंड दिखा दिया है, तो एल की वैल्यू ई के बराबर है। ओके एल की जो वैल्यू है वो ई के बराबर है, इसका सीधा मतलब है कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है, जबकि जबकि उस कुंडली में 1 एम्पीयर पर सेकंड की दर से धारा का प्रवाह हो रहा हो, मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ओके किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की संख्यात्मक गुणांक के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में धारा प्रवाह की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ओके एल का आपने फॉर्मूला चेक कर लिया है, हेनरी आप देख पाते हैं, हेनरी मात्रक है। ओके हेनरी इसका मात्रक है, मिली हेनरी माइक्रो हेनरी इसके और छोटे मात्रक होते हैं, इसको भी आपको चेक कर लेना है, और मिली हेनरी में -3 हेनरी और माइक्रो हेनरी में -6 हेनरी। ओके और अगर आपका मात्रक और विमी सूत्र निकालने को कहा जाएगा तो निश्चित रूप से आप जो है एल का फॉर्मूला दिखा देना है, ई के स्थान पे ई जो लिखा है, ई का मतलब क्या होता है डब्ल्यू पॉन, या ई को सीधा आप वोल्ट दिखा दीजिए, डब्ल्यू पॉन क्यू के फॉर्म होता है, जूल प्रति कूलाम। अब कूलाम को बदलना है क्यू बराबर आई टी के फॉर्म में, क्यू क्या होता है, क्यू होता है आई इंटू टी, तो भी यूज कर लेना है। इसको हल करने पर देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इस फॉर्म में बन जाता है। तो ये जो एल था स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, ये इसका प्योर एम के एस ए पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा। ओके और ये इसका विमी सूत्र है, अगर आप मात्रक निकाल ले जाते हैं तो विमी सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। ओके एम एल स्क्वायर टी -2 a -2, क्योंकि किलोग्राम को एम से दिखाएंगे, मीटर को एल से दिखाना है, समय को टी से दिखाना है, एम्पियर को ए से दिखाना है। इस प्रकार से जो एल की जो विमा आएगी वो किसी प्रकार से बन जाती है। ओके तो ये सेल्फ इंडक्शन के विषय में थोड़ा प्रकाश डाला गया है, और इंडक्शन के माध्यम से आपको समझ लेना है विद्यार्थियों कि फराडे का जो लॉ है इंडक्शन का, उसके विषय में आपको बताया गया है। कुंडली और चुंबक के बीच में जब आप सापेक्ष गति कराते हैं तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कुंडली दिखाया गया है, क्वाइल में तार के फेरे दिखे ऐसे शो किए गए हैं, इनके दोनों सिरे जो है गैल्वेनोमीटर के साथ में जोड़े गए हैं। ओके जब आप चुंबक को देखिए, चुंबक दिखाया गया, चुंबक का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल दिखाया गया है। ओके साउथ पोल, और ये जो रेड दिखाया गया है, रेड से क्या है, रेड से आपका जो है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे चुंबक को जब आप तेजी से अंदर ले आते हैं या तेजी से बाहर ले आते हैं, ओके तो उससे जो है इस गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है। तो ये जो घटना होती है ये वैद्युतचुंबकीय प्रेरण की है, और इसको फैराडे का नियम भी कहते हैं, इंडक्शन का वैद्युतचुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम, कि किसी भी कुंडली और चुंबक के बीच में जब सापेक्ष गति होती है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ देखिए जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो किस प्रकार से विक्षेपित हो रही है, आगे पीछे इस प्रकार से जा रही है, शून्य
शून्य यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, शून्य के राइट ओर जाती है, एक दिशा में विक्षेप हो जाएगा, शून्य के बाईं ओर जाती है, दूसरी दिशा में विक्षेप हो जाता है। ओके, जितना तेज आप चुंबक को पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे, ओके, उतना तेजी से जो है ई एम एफ या विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ये आपका फैराडे का नियम हो जाएगा इंडक्शन का। अब यहाँ देखिए एक और डायग्राम शो किया गया है, इसमें आपको और स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से चुंबक के द्वारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो चलती हैं। ओके, और ये किसी जब कुंडली, देखिए कुंडली यहाँ दिखाया गया है, तार के फेरे यहाँ दिखाए गए हैं, इसको जोड़ा गया है फिर से गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर की सुई पर ध्यान लगाइए किस प्रकार गैल्वेनोमीटर की सुई जो है बाईं ओर या फिर दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। चुंबक के दोनों पोल दिखाए गए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल के फॉर्म में, उसको भी आपको चेक कर लेना है। ओके, रेड से देखिए नॉर्थ दिखाया गया है और ग्रीन से जो है वो साउथ दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ भी चुंबक को जब आप कुंडली के पास आते हैं या दूर ले जाते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को फाई के मान चेंज होता है। ओके, और फाई के बदलाव होने से या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से एक विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। ओके, इसका फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, इक्वल टू नेगेटिव में अगर एन फेरे हैं तो एन दिखा देंगे, ये डेल फाई अपॉन डेल टी। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। कुंडली में वैद्य चुंबकीय प्रेरण का जो पक्ष होता है उसमें दो घटनाएं मेन होती हैं, उसमें स्वप्रेरण और अनियन प्रेरण, ठीक है ना। तो स्वप्रेरण का मतलब है कि जब किसी कुंडली में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और जब कुंडली में प्रवाह धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में मुख्य धारा के अलावा एक अन्य धारा भी प्रेरित हो जाती है, जिसकी दिशा लेंज के नियम के अनुसार इस प्रकार से बनती है कि वह मुख्य धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करती है। ओके, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये जो घटना होती है जिसमें आप कुंडली के प्रवाहित मुख्य धारा के मान को घटाते हैं या बढ़ाते हैं तो उससे जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ओके, तो हम चेक करते हैं, स्वप्रेरण के विषय में देख लेते हैं, इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। आप जानते हैं कि जब किसी पथ में किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ओके, और यदि मान में परिवर्तन करते हैं तो उससे बद्ध प्लस को फाई उत्पन्न हो जाता है। ओके, बनने का मतलब है कि उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत धारक बल उत्पन्न होगा जिसकी वजह से एक वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बी से देखिए फाई बन जाता है, आई से बी बना है, बी से बन गया है फाई। ओके, फाई का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जिसकी फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी ए के फॉर्म में आपने पहले ही देखा हुआ है। ओके, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो फाई उत्पन्न होने का मतलब है कि एक विद्युत वाहक बल ई बनेगा, ई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ई इक्वल टू माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी। ओके, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जिसमें आप मुख्य धारा के अलावा एक अन्य धारा को देख पाते हैं जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन चेक करें, डायग्राम आप ध्यान से देखें, देखिए कॉइल शो किया गया है, दिस इज अ कॉइल, कॉइल के साथ में जोड़ा गया है एक रियोस्टेट, रियोस्टेट का मतलब है धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक है, और साथ में एक बैटरी, ओके, और एक कुंजी की के फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया आरएच, ये हो गया आरएच, ये हो गया आपका बैटरी। ओके, एंड दिस इज द की, कुंजी के फॉर्म में, कुंडली के साथ में श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ा गया है। ओके, और जब आप कुंजी को ऑन करते हैं, बैटरी का प्लस दिखाया गया, बैटरी का माइनस शो किया गया है। ओके, कुंजी को ऑन करते हैं तो बैटरी से करंट का फ्लो होता है और बैटरी से जो धारा निकलती है आई के फॉर्म में। ओके, और जब आप आई के मान को चेंज करते हैं, अब ये आई देखिए इस प्रकार से इसमें फ्लो करता है, ये मुख्य धारा है,
मुख्य धारा की दिशा देखिए दिखाई गई किस प्रकार से मुख्य धारा कुंडली में प्रवाहित होती है। ओके, तो आई आपने दिखा दिया, उसका प्रवाह की दिशा आपने दिखा दिया है और सेल्फ इंडक्शन आपको पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि जब आप आई को चेंज करते हैं तो बी से फाई बनता है। ओके, डेल्टा आई मतलब चेंज इन करंट, तो फाई बन रहा है और फाई बनने से जो है ई बनता है, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको बताया गया है ई इक्वल टू नेगेटिव में एन डेल फाई अपॉन डेल टी के फॉर्म में। ओके, डेल फाई अपॉन डेल टी के फॉर्म में, जो कि ई होता है। ई का मतलब है प्रेरित विद्युत वाहक बल। फाई के बदलने से फाई बना, फाई के बदलने से आपके उस परिपथ में उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई उत्पन्न हो जाता है। तो इसको आपको देख लेना है, ई जो यहाँ बनेगा उसकी वजह से एक अन्य धारा प्रवाहित होती है। ओके, देखिए आप देखिए ई से क्या बन गया, एक और करंट आई। अब ये जो आई होता है वो मुख्य धारा से अलग होता है। ये जो आई यहाँ हमने प्राप्त किया है वो वास्तव में मुख्य धारा का विरोध करता है, इसको हम लोग प्रेरित विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ओके, अब चूँकि फराडे का जो नियम था, लेंज का नियम, लेंज के नियम के अनुसार जो यहाँ पे आई की जो दिशा होगी वो मुख्य धारा के अपोज में होगी। तो इस प्रकार से कुंडली में प्रवाहित तो विद्युत धारा के मान में अगर परिवर्तन किया गया है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ओके, तो आपने परिपथ चेक कर लिया है, कुंडली के साथ में एक रियोस्टेट बैटरी कुंजी दिखाई गई है और ये कुंजी को दबाने पर लिखें या मुख्य धारा के मान को बढ़ा, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिए, कुंजी को दबाने पर अथवा मुख्य धारा के मान को बढ़ाते समय। ये पहला डायग्राम हो जाएगा, पहले डायग्राम में हमने कुंजी को दबाया है, दबाने का मतलब है कि आप जो है मेन करंट को बढ़ाएंगे और मेन करंट को बढ़ाने पे जो मुख्य करंट है उसकी दिशा आपको नहीं बदलनी है। बैटरी के द्वारा देखिए करंट का फ्लो हो रहा है। ओके, और प्लस से नेगेटिव में जाएगी। रियोस्टेट की मदद से आपको करंट के मान को चेंज करना है, तो एक मुख्य धारा के अतिरिक्त, मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा आई के फॉर्म में प्रेरित हो जाती है, उसकी दिशा आपको चेक कर लेनी है। उसकी जो दिशा होगी मुख्य रूप से, निश्चित रूप से जो आई की दिशा है उसके अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप मुख्य धारा के मान को बढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थी ये जो घटना आप देख पाते हैं ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, इस घटना को हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। ओके, डेल्टा आई से फाई, फाई से ई, ई से आई, आई आपका प्रेरित विद्युत धारा हो जाता है जो कि मुख्य धारा से अलग होता है। ओके, आई की जो दिशा होगी वो मुख्य धारा के अपोज में होगी। लेंज का नियम हम लोग यहाँ फॉलो करने वाले हैं। ओके, और लेंज को बताया गया पहले भी कि लेंज का नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत दिशा प्रेरित धारा की ऐसी होती कि वह मुख्य, वह उस कारण का विरोध करता है जिससे स्वयं उत्पन्न होता है। तो आई देखिए मुख्य कुंजी को दबाने पर मुख्य आई एक बन गया है जो कि प्रेरित धारा मैंने दिखा दिया है, और ये डायरेक्शन से चेक करिए अपोजिट डायरेक्शन है। प्रेरित धारा की जो दिशा दिखाई गई है वो मुख्य धारा के अपोजिट में है, विपरीत में है। ओके, और लेंज का नियम कहता है कि जो प्रेरित धारा होगा वो मुख्य धारा का हमेशा विरोध करेगा। तो निश्चित रूप से पहले डायग्राम में मुख्य धारा के मान को बढ़ाते समय प्रेरित धारा बन गया है। एक डायग्राम देखिए और चेक कर लेते हैं, और इस डायग्राम में हमें मुख्य धारा के मान को घटाना है। ओके, तो फिर से एक रियोस्टेट बन गया, एक बैटरी हमने दिखा दी है। ओके, प्लस हो गया, बैटरी का माइनस हो गया बी आर एच, और एक कुंजी दिखाई गई है देखिए, और कुंजी बन गई है। ओके, और पहले में कुंजी को दबाने पर या मुख्य धारा को बढ़ाते समय या कुंजी को छोड़ने पर या रिलीज करने पर या मुख्य धारा को घटाते समय, यहाँ पे आपको मेन करंट को कम करना है, घटाना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मुख्य धारा को पहले में बढ़ाने पर, दूसरे में घटाने पर, दोनों आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब कुंजी को छोड़ने पर देखिए जो दिशा होगी वो आपको बदल देनी है। अब दिशा इस प्रकार से आपको दिखा देनी है, और ये फाइनली जो है निगेटिव में जाएगी। तो दोनों देखिए डायग्राम में जो आई की जो दिशा है, प्रेरित धारा की दिशा देखिए अपोजिट हो जाएगी। ओके,
मुख्य धारा की दिशा को आपको नहीं बदलना है, ध्यान रखना है मुख्य धारा की जो दिशा होगी वो वही रहेगी, लेकिन जो प्रेरित धारा होगी वो मुख्य धारा का अपोज करेगा। चूंकि इस सेकेंड डायग्राम में कुंजी को छोड़ा गया है मुख्य है, तो यहाँ जो प्रेरित धारा होगी वो मुख्य धारा के साथ, मतलब राइट हैंड पे इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्रेरित धारा जो होगा वो मुख्य धारा के साथ में फ्लो करेगा और कोशिश करेगा कि जो मुख्य धारा जो है वो कमज़ोर ना पड़ने पाए। ओके, तो दोनों डायग्राम आपने चेक कर लिए हैं, मुख्य धारा को बढ़ाते समय मुख्य धारा को घटाते समय दोनों में अंतर आपने चेक कर लिया है। सेकेंड डायग्राम में प्रेरित धारा की दिशा आपको चेक कर लेना है कि यहाँ जो प्रेरित धारा होगा होगा वो मुख्य धारा के साथ में फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ को छोड़ा गया है या मुख्य धारा को घटाया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। ओके, अब हम लोग को चेक करना है कि स्वप्रेरण कैसे डिफाइन करना है, उसकी परिभाषा मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो दोनों डायग्राम आप चेक कर लीजिए, प्रेरित धारा देखिए इसमें मुख्य धारा के मान को बढ़ाते समय अपोज करेगा, जबकि दूसरे डायग्राम में चेक कर लेंगे तो इसका उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो मुख्य धारा के मान सेकेंड डायग्राम में मुख्य धारा के मान को आप घटाते हैं तो जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो साथ में होगी। ओके, तो RS का यूज कर लेना है, RS के माध्यम से आप जो है करंट को घटाएंगे अथवा बढ़ाएंगे, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। तो घटाने पे जो प्रेरित धारा होगा वो इसके साथ में फ्लो होगा। तो देखते हैं स्वप्रेरण की परिभाषा क्या बनने वाला है। ओके, स्वप्रेरण की परिभाषा आप देख लीजिए कि यदि आई को आप चेंज करते हैं तो उससे एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ओके, आई के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और आई के मान में बदलाव करने से एक प्रेरित विद्युतवाहक बल ई की उत्पत्ति हो जाती है। ओके, डेल्टा आई से ई बन रहा है और ई से पुनः एक आई बनता है जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ओके, दिस इज द इंड्यूस करेंट। तो ये एक समरी टाइप का देखिए आपके सामने हो गया, आई से बी बन गया है और डेल्टा आई से ई, ई से आई, और ये जो प्रेरित धारा होगा वो मुख्य धारा का विरोध करता है। ये आपको कई बार बताया गया है कि जो इंड्यूस करंट होगा वो मेन करंट का हमेशा विरोध करेगा। और परिभाषा देखिए इसकी क्या बनने वाली है कि किसी कुंडली किसी भी परिपथ, परिपथ बोलें या कुंडली बोल दें, ओके, किसी भी परिपथ अथवा कुंडली, किसी भी परिपथ अथवा कुंडली में वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन या वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी परिपथ अथवा कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ओके, तो निश्चित रूप से उससे बी बनता है और मुख्य प्रवाहित होने लगती है इससे। परिपथ में आप जब धारा प्रवाहित करते हैं तो मुख्य धारा के अलावा एक अन्य धारा प्रेरित हो जाती है। ओके, जिसको हम लोग प्रेरित विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ओके, और ये इसका काम क्या होगा, जो कि मुख्य धारा का विरोध करेगा, मुख्य धारा का विरोध करती है। ओके, प्रेरित धारा काम होता है कि मुख्य धारा का विरोध करना। किसी भी परिपथ और कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो मुख्य धारा के अतिरिक्त प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि मुख्य धारा का विरोध करता है। तो ये जो घटना है वैद्युतचुंबकीय प्रेरण की, इसको हम लोग स्वप्रेरण के नाम से जानते हैं। ओके, दिस इज द सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण कहलाती है। तो ये परिभाषा हो जाएगी विद्यार्थियों, इसको आपको डायग्राम के साथ में लिख के देख लेना है, डायग्राम भी बनाना है, उसके साथ में ये डिफिनेशन भी आपको शो कर देनी है। ओके, इसको आप लिख के कभी प्रैक्टिस कर लें। तो आपने चेक किया कि किस प्रकार से स्वप्रेरण को डिफाइन करना है, उसके लिए आपको दोनों डायग्राम बना लेना है। और इसके पश्चात देखिए हम लोग आगे चेक करते हैं कुछ और इसके कंटेंट्स स्वप्रेरण के विषय में ही। ओके,
अब हमें चेक करना है एक नीतांक होता है स्वप्रेरण गुणांक का, इसको हम लोग स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ओके, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, दिस इज द कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, ओके, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। ये टॉपिक भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड में अक्सर इस पर क्वेश्चन आते हैं या फिर इस पर इसको डिफाइन करने को आता है, तो कैसे डिफाइन करना है, क्या इसका तरीका होगा, वो आप यहाँ पे चेक कर लें। तो एक बार फिर चेक कर लें कि आपने स्वप्रेरण की घटना देख ली है, अब आपको स्वप्रेरण गुणांक को चेक करना है। और आप जानते हैं कि किसी भी कुंडली में जो धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाएं हमें, और उसके लिए कुंडली में हमने एन फेरे मान लिए हैं, ओके, और यदि करंट आई फ्लो होता है तो उससे जो है एक चुंबकीय फ्लक्स फाई के रूप में उत्पन्न हो जाता है, ओके। माना कुंडली में तार के एन फेरे हैं, करंट आई के फ्लो होने पर, करंट आई के फ्लो होने पर ये जो है चुंबकीय फ्लक्स फाई उत्पन्न करता है, ओके, फाइनली फाई उत्पन्न हो गया है। अब आपको चेक करना है तो कुंडली में चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या होती है, ओके, कुंडली में चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या प्लस लिंकेज एन फाई, ये जो होता है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, आई के समानुपाती हो जाएगा, एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनल को हटाना है, एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ लगा देंगे एल के फॉर्म में, एन फाई इक्वल टू एल आई, ओके, एन फाई इक्वल टू एल आई, एल का मतलब है स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, ओके, एल का सीधा मतलब है कि उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने बन गया है, एन फाइव इक्वल टू एल आई, और हमें यहाँ पे डिफाइन करना है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व को, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है, एल इक्वल टू एन फाइव अपॉन आई के फॉर्म में हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे आई को मान लेते हैं एक एम्पियर, वन एम्पियर, तो इस कंडीशन में जो एल की वैल्यू होगी वो एन फाई के परिमाण के बराबर हो जाती है, एल इक्वल टू एन फाई, ओके। तो आप देख पाते हैं कि एल का जो फॉर्मूला है वो एन फाई के फॉर्म में हमें प्राप्त हो गया, जो कि स्वप्रेरण गुणांक को दर्शाता है, ओके। तो ये स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व, एल को अगर आपको डिफाइन करना है तो एन फाई को लेकर चलना पड़ेगा, कि किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, ओके। इस प्रकार से आपने स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व को डिफाइन कर लिया है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्या होता है चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है कि उस कुंडली में धारा का मान एक एम्पियर हो, एल का मान देखिए एन फाई शो किया गया है जो कि स्वप्रेरण गुणांक को दर्शाता है अथवा स्वप्रेरकत्व को दर्शाता है, और करंट एक एम्पियर आपको लेना पड़ेगा, ओके। तो ये परिभाषा देखिए हो गया है, इसको आपको याद कर लेना है कि किसी भी कुंडली में जो का जो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व होता है वो संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो। परिभाषा देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको चेक कर लीजिए आप, कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से कुंडली में
संख्यात्मक रूप से कुंडली में चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। ओके, संख्या के बराबर होता है जबकि कुंडली में होता है जब जबकि कुंडली में 1 एम्पियर, जबकि उस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की करंट, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो, प्रवाहित हो रही हो या फिर प्रवाहित होती है। ओके, प्रवाहित हो रही हो, तो ये एक्चुअली में परिभाषा देखिए आपके सामने हो गया है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का। ओके, तो आपने देख लिया है इसकी परिभाषा। अब मैं एक और परिभाषा आपके सामने यहाँ रखने वाला हूँ, उसके लिए आपको फिर से जो भी दिखाया गया था N5=Li, उसका यूज हमें करना पड़ेगा। और यदि आप कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं तो यहाँ देखिए हमें स्वप्रेरकत्व चेक कर लेना है कि कुंडली में धारा प्रवाहित करने से या परिवर्तन करने से जो प्रेरित विद्युतवाहक बल ई होता है। ओके, उसमें एक संबंध हम लोग चेक करेंगे अभी N5 के रूप में। और फराडे का जो नियम था वो कहता है कि जो ई होता है वो और डेल्टा टी समय अंतराल में कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई अगर होता है तो ये फॉर्मूला देखिए E=-N डेल फाई अपॉन डेल टी के फॉर्म में, निगेटिव को बाहर करके एन को अंदर ले जाएंगे। ओके, तो यह बन जाएगा N φ/Δt। ओके, अब देखिए आपने देखा कि N φ का मान जो है Li के बराबर है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि निगेटिव डेल Li N φ को कैसे हटाना है, L×Y के फॉर्म में अपॉन डेल्टा टी। ओके, अब आपको L को बाहर कर लेना है, E=- में L, क्योंकि L नियतांक है, L इज ए कॉन्स्टेंट, डेल आई अपॉन डेल टी। ओके, ये देखिए फॉर्मूला एक बन गया, नया फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो L का फॉर्मूला E के टर्म्स में दिखाया गया है, E जो है प्रेरित विद्युतवाहक बल E हो जाएगा। ओके, तो ये स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का एक नया L के फॉर्म में, E के फॉर्म में आप देख पाते हैं। तो E का जो मान है देखिए -L डेल आई अपॉन डेल टी के फॉर्म में शो किया गया है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ओके, अब आपको अगर L का फॉर्मूला निकालना है तो L=- में E ऊपर चला जाएगा और डेल आई अपॉन डेल टी को आपको लिख देना है। इस रूप में लिखने का मतलब है कि हमें यहाँ पे L की एक नई डिफिनेशन बनानी है और डेल आई अपॉन डेल टी को अगर हम मान लेते हैं 1 एम्पियर/सेकेंड, 1 एम्पियर/सेकेंड जो कि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। ओके, धारा परिवर्तन की दर है, तो L की जो वैल्यू होगी वो E के या उसके संख्यात्मक मान के बराबर हो जाता है। ओके, तो आपको फिर से देखिए डिफाइन करना है, निगेटिव यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, निगेटिव का मतलब था कि जो है विद्युतवाहक बल सदैव ऐसी दिशा में होता है कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है। ओके, अब यहाँ देखिए एल का जो मान है वो ई के पदों में निकाला गया है, तो कैसे डिफाइन करना है उसको आपको चेक कर लेना है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ओके, तो ये स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व के रूप में आपको मिल गया है। ओके, जो कि इस कुंडली का होता है, तो इसको डिफाइन करना है तो आपको यहाँ से ई को एल के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा या एल को ई के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक। ओके, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का मतलब है कि 1 एम्पियर/सेकेंड, मतलब धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न
प्रेरित प्रति दोहक बल ई के बराबर होता है। ओके, किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अथवा इसको मैं रख कर देता हूँ क्योंकि कम दिखेगा, इसको आप इसे समझ लें, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व तो संख्यात्मक उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ई के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ओके, तो ये एक्चुअल में परिभाषा देखिए बनती हुई कि स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व ई के मान के बराबर होगा। ओके, जबकि धारा परिवर्तन की दर एकांक है। ओके, डेल आई अपॉन डेल टी का मान कितना है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये आपने चेक कर लिया है स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। परिभाषा देखिए दोनों आपने देख लिया है, इसके पहले आपने एन फाइव के टर्म्स में एल को दिखाया था, और यहाँ पे आपने जो दिखाया है वो विद्युत वाहक बल के पदों में दिखाया हुआ है। तो दोनों फॉर्मूले महत्वपूर्ण हैं, दोनों फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना है, दोनों फॉर्मूलों का यूज कर लेना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब देखिए विमित सूत्र या मात्रक हमें चेक करना है तो एन फाइव अपॉन आई के फॉर्म में दिखा दें, जैसे अगर आपको निकालना है एल तो निगेटिव में ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी। मात्रक चेक कर लेते हैं, मात्रक को वी में निकालनी है। ओके, तो एल का फॉर्मूला देखिए एन फाइव अपॉन आई के फॉर्म में शो किया गया है, फाइव को चुंबकीय फ्लक्स और आई का मतलब करंट। ओके, तो मात्रक आप चाहे यहाँ से निकाल लें चाहे नीचे से निकाल लें, फाइव को लिखेंगे बी इंटू ए। ओके, चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, बी इंटू ए, और नीचे देखिए आई शो किया गया है। ओके, तो आप ऊपर लिखा देंगे बी ए अपॉन आई, क्योंकि एन का कोई मात्रक नहीं होता है, एन नीतांक है, चक्करों की संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब बी को आपको देखना है तो बी के मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ओके, न्यूटन बी का मात्रक चेक कर लें, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ओके, और ए का मतलब है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पहले आई को दिखा दें, एम्पियर हो जाएगा। ओके, और ए का मतलब है क्षेत्रफल। ओके, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर 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 स्क्वायर बना देगा। देखिए मात्रक इसका ये हो गया है। ओके, इसका मात्रक यहाँ से ये बन गया है, और एक और मात्रक अगर हम यहाँ चेक करें तो वही मात्रक देखिए शायद यहाँ भी बनना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ई का मतलब क्या है, ई का मतलब है विद्युत वाहक बल। ओके, जो कि नापा जाएगा, न्यूटन मीटर पहले निकला था, न्यूटन मीटर को हम जूल भी दिखा सकते हैं, जूल प्रति एम्पेयर स्क्वायर। ओके, जूल प्रति एम्पेयर स्क्वायर, तो यहाँ चेक कर लें, ये जो ई लिखा है वो लिखा है टी को मैंने ऊपर लिख लिया है, आई को नीचे लिखा हुआ है। ओके, और ई को लिखा है वोल्ट में, टी को लिखा है समय सेकंड में, ए को लिखा है एम्पियर में। ओके, आप चेक कर लें वोल्ट, या इसको आप ऐसे दिखा दें, ई ई को आप सीधा लिखिए, ई को लिख दीजिए किस में, ई का जो फॉर्मूला होता है वो डब्ल्यू पॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ओके, ई बराबर डब्ल्यू पॉन क्यू, और क्यू का जो फॉर्मूला है वो आई टी है। ओके, तो यहाँ से जो ई बनेगा वो डब्ल्यू पॉन क्यू, क्यू को आई टी में लिखें, एक आई पहले चल रहा है, तो आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर टी। ओके, आई स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर, और टी जो है कट जाएगा ऊपर नीचे। तो अब देखिए दोनों के जो मात्रक हैं, चाहे आप इसका यहाँ से मात्रक निकाल लें पहले फॉर्मूले से, या फिर आप बाद के जो फॉर्मूला है वो बताया गया है वहाँ से भी आप निकालेंगे, तो दोनों में जो मात्रक है वो एक ही है। इसको हम लोग हेनरी से भी दिखा सकते हैं, हेनरी एक्चुअली बहुत ही प्रचलित मात्रक है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का बहुत ही व्यवहारिक मात्रक है। ओके, इसके छोटे मात्रक भी हैं,
मिली हेनरी और माइक्रो हेनरी के फॉर्म में, एक मिली हेनरी में माइनस का 3 हेनरी और माइक्रो में माइनस का 6 हो जाता है। ओके, माइक्रो हेनरी और भी छोटा मात्रक है, तो मिली हेनरी में माइनस का 3 हेनरी और माइक्रो में माइनस का 6 हेनरी, दोनों बहुत ही छोटे मात्रक हैं। और आपको जब वो मिली हेनरी माइक्रो हेनरी में मान देगा तो आप यहाँ से जो है उसको चेंज कर लेंगे दोनों में। ओके, तो मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी इसको आपको कैसे बदलना है यहाँ पे आप इसको चेक कर लें। यू हैव टू चेंज इन द हेनरी। अब विद्यार्थियों में चेक करते हैं विभिन्न सूत्र, डायमेंशन फार्मूला भी देख लेना है कि इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनने वाला है। स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का हमें निकालना है विभिन्न सूत्र। अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में इसका जो विभिन्न सूत्र है वो निकालने को आता है। तो इसका ई का फॉर्मूला एक बार फिर दिखा दें, क्या था, ई इक्वल टू नेगेटिव में एल डेल आई अपॉन डेल टी के फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ था। अब आपको एल निकालना है तो एल इक्वल टू नेगेटिव में ई डेल आई अपॉन डेल टी। ओके, तो ई को फिर से डब्ल्यू अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखा दें और क्यू को आई टी के फॉर्म में दिखाएंगे, डेल को हम लोग हटा देते हैं तो चेक कर लें, ये हो जाएगा ई इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओके, और क्यू को क्या लिख सकते हैं, आई टी आई इंटू टी के फॉर्म में। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा एल का वो हो जाएगा अपॉन आई डब्ल्यू अपॉन क्यू और फिर से आई टी लिख दें, डेल्टा को हटा देना है। ओके, और यहाँ से एल इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू को आई टी के फॉर्म में दिखा देना है, तो डब्ल्यू अपॉन आई टी हो जाएगा क्यू की जगह पे। ओके, और आई एक टी देखिए कट जाएगा, टी दोनों में है, एक एक टी कट जाएगा और आई इंटू आई आई स्क्वायर बना देगा, तो डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर। ओके, ऊपर देखिए ऊपर डब्ल्यू बन गया है कार्य के फॉर्म में और नीचे आई दिखाया गया है जो कि एम्पियर में है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, एम एल की पावर 2 टी की पावर माइनस 2 और नीचे दिखा देना है आई को नापेंगे शो करते हैं ए से ए की पावर 2। ओके, तो बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2। ओके, ये इसका विभिन्न सूत्र आपके सामने, इंपॉर्टेंट विभिन्न सूत्र है ये, और कभी कभी इसमें जो है भविकल्पी क्वेश्चन में या फिर एक नंबर क्वेश्चन में बीमा निकालने को भी आती है। तो विद्यार्थी कर लिया कि इसका विभिन्न सूत्र क्या है, परिभाषा आपने देख लिया है, इसके मात्रक आपने देख लिए हैं, डायग्राम आपने दोनों समझ लिया है। ओके, डायग्राम को आपको चेक कर लेना है कि मुख्य धारा को बढ़ाते समय मुख्य धारा को घटाते समय, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो डायग्राम साथ में थ्योरी और फॉर्मूले और डायमेंशन फॉर्मूले, ये सब एक साथ आपको देख लेना है ताकि कोई चीज़ छूटने ना पाए। ओके, तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना है ताकि आपका सेल्फ इंडक्शन का जो पोर्शन है बहुत ही मजबूत हो जाए, क्योंकि बोर्ड में हर साल इससे संबंधित परिभाषाएं, प्रूफ या न्यूमेरिकल्स अवश्य पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बाकी इसके जो प्रूफ हैं सेल्फ इंडक्शन के, लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व और उसके अलावा समतल